हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट एजुकेशन और जो टॉपिक है वह है एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकम यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ कैरिकुलम सब इसमें जो सब्जेक्ट एक्टिव सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम है एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम है और चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम है इंटीग्रेटेड सेंटर कैरिकम है बहुत सारे टाइप्स उसके हैं लेकिन uh, जो हमारे सिलेबस में वो सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड एक्टिविटी सेंटर एंड चाइल्ड सेंटर है सब सेंटर हमने डिस्कस किया आज हम देंगे एक्टिविटी सेंटर कैरिक्यूलम देखिए एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम ए कैरिकुलम इन विच एजुकेशन एक्टिविटीज इज डायरेक्टेड टूअर्स द एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन इट इज दैट टाइप ऑफ कैरिक्यूलम इन एजुकेशन इज डायरेक्ट टूर्ड द एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन इज द मैन फिगर इज चिल्ड्रन जिस तरह सब्जेक्ट में वहाँ पे मैन फिगर कौन है वहाँ पे एक्टिव कौन है टीचर एंड बुक लेकिन यहाँ पे कौन एक्टिव है यहाँ टीचर एक्टिविटी यहाँ चाइल्ड एक्टिविटी है और हर एक जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमें किसको एक्टिव रखना है यहाँ पे हमें चाइल्ड एक्टिव रखना है वो चाइल्ड खुद अपने हाथों से यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल यहाँ पे थ्योरेटिकल की ज़्यादा गुंजाइश ज़्यादा प्रैक्टिकल ही होती है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंगज फॉर यहाँ पे जो प्रिंसिपल यहाँ लर्निंग बाय डूइंग बच्चे खुद काम कर सकते हैं खुद सीख सकता है और वहाँ पे यहाँ पे टीचरशिप गाइड ही करता है देखिए आपने कैसे बच्चे करते हैं और टीचरशिप गाइड करता है इट डेवलप द क्वालिटीज ऑफ हैड हैंड एंड हॉट ये क्वालिटीज हैड हैंड एंड हॉट तीन चीज डेवलप करते हेड यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट होती है हैंड यहाँ पे मतलब वोकेशनल डेवलपमेंट होती है एंड हॉट स्परिचुअल डेवलपमेंट होती है यानी मीनस कि यहाँ पे हर एक जो डायमेंशन पर्सनलिटी होती है उन सबकी जित जैसे हम फिज़िकल डायमेंशन कहते हैं फिजिकल सोशल इंटेलेक्चुअल मेंटल ये इन चीज़ों की डेवलपमेंट यहाँ पे होती है एक सेंट कैरिकुल जब भी जब भी हम खुद कोई भी काम अपने हाथों से करते हैं इस पर हम अपनी मैंटलिटी इस्तेमाल करते हैं अपना मतलब फिजिकल फिजिक मतलब मतलब यूज़ करते हैं तो अपने मतलब जो मतलब अपने खुशी से हम इस काम को करते हैं रूसो सेज इंस्टिट्यूट ऑफ मेकिंग द चाइल्ड सिटिक टू हिज बुक्स कीप हिम बुजी इन वर्कशॉप रूसो एक साइकोलॉजिस्ट से कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेकिंग द चाइल्ड सिटिक जिसमें हम बच्चे को मतलब बुक पर हम बनाते हैं किताबों से उसको जोड़ते हैं किताबों पे उसको बैठाते हैं ज़बरदस्ती लेकिन इससे बेहतर है कि हमें उसको वर्कशॉप में बिज़ी करना हमें उसको मतलब प्रैक्टिकल देना है ताकि वो कोई भी असाइनमेंट उसको हमें असाइनमेंट देने ताकि वो खुद करे और इसमें बिजी रहे क्योंकि इसमें वो उसमें उस उस वर्कशॉप में और एक्टिव्यूज में वो मोटिवेट होता है वो खुद करने के लिए तैयार होता है वहाँ पर उसे प्रेशर किसी किसी किस्म की डिसप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं वो खुद वहाँ पे डिसप्लिन है वहाँ सेल्फ डिसप्लिन है का वो सेल्फ स्पेस उसको होती है उसको यूज करते हैं कॉम्युनिस्सेज वट एवर हैज़ टू बी लर्नड मस्ट बी लर्नड बाई कम्युनिस्ट सेज जो भी हमें सीखना है हमें लर्निंग बाय डूइंग से सीखना है हमें खुद करके हमें जो सीखते हैं जिस काम को हम टच करते हैं जिसको हम टच करते हैं देखते हैं मतलब वो चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है एज़ कम्पेयर जो बुक से हम नॉलेज हासिल करते हैं जो हम रूट मेमोरी करते हैं इससे बेहतर है कि हमें प्रैक्टिकल में ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करना है इसके उसकी मेरिट्स क्या है मेरिट्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर और कैरिकुलम इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग उसकी जो जो इसमें जो प्रिंसिपल जो रूल इसमें फॉलो होता है वो है लर्निंग बाय डूइंग यानी वहाँ पे बच्चे को खुद काम करना है उसको जो भी उस काम उसको टीचर से मिलेगा ऐसे में मिलता है मिलते और बच्चे को ये काम खुद करना वो टीचर सिर्फ गाइड करेगा ऑलराउंड डेवलपमेंट इससे ऑलराउंड डेवलपमेंट डेवलप मतलब एक बच्चे की डेवलपमेंट हो सकती है क्योंकि ऑल राउंड मीन्स ऑल ऑस्पेक्ट्स ऑल डायमेंशन ऑफ इस पर्सनैलिटी मीन्स फिजिकल सोशल इंटलेक्चुअल मेंटल वोकेशनल इकोनॉमिकल मीन्स ऑल और क्योंकि यहाँ पे वो खुद काम करता है इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी विच आर प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन आर अकॉर्डिंग ट नीड्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड क्योंकि जब हम थोटिकल उनको सब्जेक्ट देते हैं तो वहाँ पे हम फिजिक इंडिजुअल डिफरेंस को इग्नोर करते हैं लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होती है और बच्चा अपने मर्जी मुताबिक अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड्स के मुताबिक काम करता है इसलिए हम उसको कहें साइकोलॉजिकल है ये डिस्कवरेज रूट मेमोराइजेशन वहाँ पे जो हम रूट मेमोरी करते हैं रट रटा लगाते हैं फिर एग्जाम में चले जाते हैं फिर लिखते हैं लेकिन वो इससे मेंटल डेवलपमेंट नहीं बल्कि मेमोरी होती है हमें डिग्री तो हासिल होती है लेकिन फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए जो मेमोरी सिस्टम यहाँ पे उस ये उसको डिस्करेज करते हैं डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज़ या लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं लीडरशिप क्वालिटी मीन्स हमें ऑनेस्टी टॉलरेंस रीजनिंग पावर डेवलप करते हैं जज पावर ऑफ जजमेंट हमें मतलब डेवलप करते हैं सेक्रीफाइस वगैरह इन चीज़ों को जो क्वालिटीज़ है एक बच्चे के अंदर डेवलप हो सकते हैं जब क्योंकि जो काम हम बच्चे को देते हैं वो इसमें वो मन लगा के काम करता है और वहाँ पे वो एक टीम सेट भी उनको डेवलप होते हैं और कॉल लीडर जो हम लीडर क्वालिटीज भी कहते हैं प्रेपरेशन ऑफ लाइफ और ये फ्यूचर लाइफ के लिए उस चाइल्ड को उस इंडिविजुअल को प्रिपेयर करते हैं सबलेमेशन ऑफ इंस्टिंग्स और वहाँ पे जो बच्चे की इंस्टिंग्स होती है उनको कंट्रोल ये कंट्रोल रहता है और वो चैनलाइज होते हैं क्योंकि वो किसी जब वो अपने काम में मशगूल रहते हैं उसके जो नेगेटिव आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं लेकिन वो नहीं आते हैं कि वो अपने काम के तरफ मन लगा के काम करते हैं और जो है और इंस्टिंग्स है वो कंट्रोल रह जाते हैं फिर हमें वहाँ पर उसको फिज़िकल मतलब डिप्लिन या हम कहेंगे पनिशमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इसके बाद उसके डिमिरिट्स क्या है डिमिरट्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम क्योंकि मेरिट्स भी है डेमेरिट्स भी है खूबियाँ भी भी नेगलेटिंग नॉलेज एस्पेक्ट्स ये हमें नॉलेज ऑस्पेक्ट को नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ़ वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा मिलती है और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास बाकी चीज़ की होती है वो नहीं इतनी मिलती है जितने हमें सब्जेक्ट सेंटर मिलते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है ठीक है टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज टीचर कैन नॉट कवर द होल सेलेबस इन टाइम लिमिटेड और दूसरा चीज़ में कि ये टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और जब ये स्कूल में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो एक्टिविटीज़ को करते हैं प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर वो जो पूरा सलेबस है वो हम कवर नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री लैंग्वेज एंड एट एटस्ट्रा कैन नॉट बी टॉट थ्रू द एक्टिविटी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे स्कूल में जैसे हिस्ट्री है लैंग्वेज है सिविक्स uh, है वो इस चीज़ एक्टिविटी सेंटर से हम नहीं अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें सब्जेक्ट से ही मिलती है थियोरिटिकल से ही मिलता है जिस तरह साइंस मैथमेटिक्स वहाँ पे हम इसी तरह से एक्टिविटी एंड कैरिकम इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग पहले मैंने भैया टाइम को इसमें टाइम की ज़्यादा ज़रूरत लगती है जिस तरह हम वहाँ पे 40 मिनट में एक क्लास करते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेकिन यहाँ पर चालीस मिनट की गुंजाइश नहीं थी यहाँ पर हमें कम से कम एक घंटा डेढ़ घंटा मिलना चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए लेक ऑफ वर्कशॉप इन स्कूलज और फिर स्कूल में जो वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं उनके लिए टाइम नहीं मिलता है एक्सपेंसिव और दूसरा चीज़ है दिस कैरिकुलम विल डिमांड मोर ह्यूमन एंड मटेरियल बिकॉज मटेरियल सोर्स इन द सेकेंडरी विच इन द स्कूल विच आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड इन ए पोअर कंट्री लाइक इंडिया ये बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके लिए हमें मतलब इसके लिए मैन पावर भी ज़्यादा होना चाहिए और मटेरियल सोर्स भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो लेबॉर्ट्रीज़ हमें होना चाहिए लाइब्रेरीज हमें होना चाहिए और इसके लिए जगह भी होनी चाहिए स्कूल भी वेल वेंटिलेटेड वेल डेवलप्ड होना चाहिए हर एक चीज़ डेवलप होना चाहिए फंड्स भी होने चाहिए लेकिन वो तो हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं पर्टिकुलर अगर इंडिया की बात करेंगे यहाँ इस चीज़ ये इस तरह के मतलब एक्टिविटी बेसिक कैरिकुलम नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ इस तरह के फंड्स अवेलेबल नहीं हो सकते नहीं हो पा रहे हैं जिससे ये जो ड्रीम है ये अधूरा ही रह जाता है Hey thank you have a thursday stay home stay safe and keep learning